कैसे बलोच संहार का प्लान तैयार हो रहा है पाकिस्तान में, उसकी इनसाइड स्टोरी आइए अब आपको बताते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना की मनमानियों के खिलाफ बगावत अपने चरम पर है। ऐसे में पाकिस्तान ने अपने आका चीन के आदेश पर बलूचिस्तान में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में इन रासायनिक हथियारों से हमले कर रही है, जिससे बलोच अवाम इतनी खौफजदा है कि वहां की कई स्थानीय जनजातियां अपने गांव घर छोड़कर जाने लगी है। देखिए बलोच जनता पर पाकिस्तान के केमिकल हमले की इनसाइड स्टोरी। इमरान के केमिकल बम से बलूचिस्तान में हाहाकार। बलोच नागरिकों को मौत बांटती पाकिस्तान की सेना। चीन के रासायनिक हथियार से बलूचिस्तान पर प्रहार। बलूचिस्तान की जमीन को इमरान खान और उनकी सेना ने घातक हथियारों की प्रयोगशाला बना दिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज मासूम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना बर्बरता की सारी हदें पार कर रही है। अपने आकाओं को खुश करने के लिए इमरान खान ने बलोच लोगों पर जानलेवा वार करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सेना बलूचिस्तान में घातक रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। इन रासायनिक हथियारों से बलोचों का दम घुट रहा है, लेकिन कश्मीर पर मानवाधिकार उल्लंघन की बात करने वाला पाकिस्तान अपनी जहरीली साजिश से बाज नहीं आ रहा। इमरान खान बलोच विद्रोह को कुचलने और अपने मददगार मुल्कों की जी हुजूरी करने में इस कदर मशगूल हैं कि बलोचों की चित्कार उनके कानों तक नहीं पहुंच रही। बलूचिस्तान में छपने वाले अखबारों के मुताबिक हाल ही के दिनों में पाकिस्तानी सेना ने अपना जुल्म और ज्यादा बढ़ाया है बलूच लोगों पर। वो अपने रासायनिक हथियारों का परीक्षण वहां रहने वाले आम लोगों पर कर रही है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि अब बलूचिस्तान के लोगों में आक्रोश की ज्वाला भड़क रही है। रासायनिक हथियारों को केमिकल वेपन भी कहते हैं। इन हथियारों को गैस या तरल किसी भी रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके फैलने की गति बहुत तेज होती है, तो शायद यही वजह है ये कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों की जान ले सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक रासायनिक हथियारों का जखीरा पृथ्वी पर जिंदगी को कई बार खत्म कर सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सरकार के इशारे पर वहां की सेना अपनी ही जनता पर इन्हीं घातक रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान बलूचिस्तान के लोगों पर केमिकल बम से हमला कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बलूचिस्तान में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से लोगों में दहशत फैल गई है। बलूचिस्तान में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से लोगों की जान जा रही है। यही नहीं, बलूचिस्तान में इन हथियारों के इस्तेमाल से फसल भी तबाह हो रही है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि बलूचिस्तान की कई स्थानीय जनजातियां गांव छोड़कर भाग रही हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों की जमीन पाकिस्तान सेना हथियाकर चीन के उद्योगपतियों को दे रही है। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, उससे फसलों को भी नुकसान हो रहा है और आम बलूची नागरिक भी मारे जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि मासूम बलूचियों के ऊपर इस तरीके का कहर बरस रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल बौखलाया हुआ है, क्योंकि बलूचियों की आज़ादी की जो मुहिम है वो एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। दुनिया की निगाहें नजरें अब बलूचिस्तान की ओर जा रही हैं। ये आज से 7 साल पहले की तस्वीरें हैं, जब बलूचिस्तान में रासायनिक हथियारों से बड़ी तादाद में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस वक्त भी पाकिस्तान की सरकार खामोश थी और वहां की सेना अपनी खुन्नस मिटाने के लिए मासूम बलोचों की जान ले रही थी। और उस वक्त भी बलोच लोगों ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान की हुकूमत सारी हदें पार कर घातक रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर मानवता का कत्ल कर रही है। केमिकल वेपन्स तो बेशक के यूज हो रहे हैं, उसके
बारे में मैं ये कहूंगी कि तुर्बत या पिरमांद का इलाका जो है हमारे पास, उसके मिसाल एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जब भी हम देखें वहां पर रातों रात कहीं ना कहीं से कोई केमिकल वेपन यूज किया जाता है, जिसकी वजह से सुबह हम उठ के देखते हैं कि हमारे फलां जगह पे इतने लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। फर्स्ट स्टोरी जो पब्लिश हुई थी किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी मीडिया में, तो ये वहाँ पे हमने बीएनएफ के दोस्तों ने, बलूच नेशनल फ्रंट के दोस्तों ने कुछ मेडिकल डॉक्टर्स को लेकर, बलूच यंगस्टर्स को लेकर वहाँ पे एक कैंप लगाया था उन लोगों के लिए जो डिस्प्लेस्ड हुए थे डेरा बुकटी से और मरी से। वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम थे, डॉक्टर मनान बलोच जो उनके हेड थे, उन्होंने ये दावा किया था, वो इस वक्त भी मेडिकल ऑफिसर हैं मश्क बलूचिस्तान में, कि यहाँ पर केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं। मैं इसका दावा कर सकता हूँ। वक्त का पहिया जितनी तेजी से घूमा, निर्दोष बलोचों पर पाकिस्तान के जुल्म और सितम उतने ही तेजी से बढ़ते चले गए। बलोच विद्रोह की आग शांत नहीं हुई तो पाकिस्तान की सरकार ने एक बार फिर बलूचिस्तान को घातक हथियारों की प्रयोगशाला बना दिया। अमेरिका और सऊदी अरब से मिली बेइज्जती के बाद पाकिस्तान ने अपने मददगार मुल्कों को खुश करने के लिए बलूचिस्तान को रासायनिक हथियारों की भट्टी में तब्दील कर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान को रासायनिक हथियारों की खेप चीन, तुर्की और ईरान से मिली है। पाकिस्तान इन देशों को खुश करने के लिए बलूचिस्तान में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी खबरों को दबाने के लिए पाकिस्तान सेना ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हिदायत दी है कि इन हथियारों के परीक्षण से जुड़ी खबरें किसी भी तरह मीडिया में लीक ना हो। अमेरिका ने बुरी तरह से उनको डांट दिया कि, और सऊदी अरब ने बुरी तरह से डांट दिया कि भाई ये सब मत करो, वो लोग इंसान हैं, उनको इंसान की तरह रहने दो। अब वो चीन और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के चरणों में चले गए हैं और वो सारा का सारा वहाँ पे जो आतंक का अपना साम्राज्य है, अत्याचार का जो साम्राज्य है, उसके तरफ से बनाना चाह रहे हैं। ये बहुत बुरा है और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा है जिसे एशिया में सोने, तांबे और गैस के सबसे बड़े भंडार के रूप में जाना जाता है। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बलूचिस्तान सबसे मुफीद जगह है। तो बलूचिस्तान में चीन की दिलचस्पी नई नहीं है, इस इलाके पर उसकी नजर शीत युद्ध के जमाने से भी पहले से है। अगर चीन समंदर के रास्ते अपना माल बाहर भेजने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता बनाना चाहता है तो बलूचिस्तान उसके लिए सबसे बेहतर और शायद सबसे आखिरी दांव है। लिहाजा चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने इस इलाके को अपने हाल पर ही नहीं छोड़ा, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों के जहन में दहशत भर उनकी जमीन पर कब्जा करने की रणनीति तैयार की, जिसमें अब रासायनिक हथियारों को अहम हिस्सा बना लिया गया है। लेकिन सवाल ये कि बलूचिस्तान को रासायनिक हथियारों की प्रयोगशाला बनाने से क्या इमरान को फायदा होगा? क्या बलूचिस्तान की जनता इमरान के केमिकल बम से डरकर अपनी जमीन छोड़ देगी? कहीं इमरान का रासायनिक हथियारों वाला प्रयोग आत्मघाती तो साबित नहीं होगा? कहीं बलूचिस्तान की जनता सशस्त्र विद्रोह और ज्यादा तेज तो नहीं कर देगी? जानकारों की माने तो रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल आग में घी का काम करेगा। इससे पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के खिलाफ आक्रोश की आग और ज्यादा धधकने लगेगी और बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में इमरान खान और कमर जावेद बाजवा के लिए हालात संभालने मुश्किल हो जाएं। पाकिस्तान की सेना फ्रंटियर कोर के ऊपर निरंतर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। पिछले बीते दिनों में कई सैनिकों ने अपनी जानें गंवाई हैं बलूचियों से लड़ते हुए, और अब पाकिस्तानी सेना ने केमिकल विकल्प ढूंढा है। तो अगर पाकिस्तानी सेना को लगता है कि इस तरीके से वो बलूचों की आवाज दबा पाएगा तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आजकल के जमाने में जबान दबाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले से विपक्षी पार्टियों और आम जनता के विद्रोह का सामना कर रहे इमरान खान ने बलूचिस्तान में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी दे मारी है। पाकिस्तान सरकार के इस नरसंहार वाले फैसले से बलोच विद्रोह अपने चरम पर पहुंच जाएगा। अब तक
छिटपुट वारदातों को अंजाम देते आ रहे बलोच विद्रोही पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे और बहुत मुमकिन है कि एक बार फिर पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं। बलूचिस्तान की जनता पाकिस्तान से अलग आजाद मुल्क की जंग लड़ रहा है। बलोच लड़ाके पाकिस्तान सेना को सबक सिखा रहे हैं, जिससे इमरान और बाजवा की जोड़ी के पसीने छूटने लगे हैं। बलोच विद्रोह के रूप में भड़की इस आग में घी का काम किया है एक चिट्ठी ने, जिसमें बलोच सिपाहियों के साथ होने वाले भेदभाव और अत्याचारों का जिक्र है। बाजवा की फौज पर बलोच विद्रोहियों का हमला। सैनिकों की मौत से बौखलाए बाजवा का प्रतिशोध, और इसके लिए वो बलोचों को मार भी रहे हैं, बलोचों का कत्लेआम भी कर रहे हैं, बलोचों के गांव उजाड़ रहे हैं। बलोच सिपाही की चिट्ठी से भड़की बगावत की आग। इमरान खान और उनके सिपे सालार कमर जावेद बाजवा बलूचिस्तान में विद्रोहियों के बढ़ते हमलों से इस कदर परेशान हैं कि उन्होंने इस आक्रोश की आग को शांत करने के लिए केमिकल बम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रासायनिक हथियारों के दम पर इमरान और बाजवा की कातिल जोड़ी बलूचिस्तान पर शिकंजा कसना चाहती है, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगते बलूचिस्तान पर काबू पाना इतना आसान नहीं। यहाँ के वीरान और बंजर इलाकों पर नजर रखना पाकिस्तान सेना के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी और दूसरे विद्रोही संगठन इस इलाके में अपनी पैठ जमाए हुए हैं और पाकिस्तान सेना को निशाना बनाने से नहीं चूकते। तो शायद यही वजह है कि अब पाकिस्तान की हुकूमत ने सेना को ताकत के दम पर यहां अपना झंडा फहराने का हुक्म दे दिया है, और इस हुक्म की तामील करते हुए पाकिस्तान की फौज बेगुनाह बलोचों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर रही है। बलोच नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष खलील बलोच के मुताबिक हाल के दिनों में पाकिस्तान सेना ने बलोचों पर हमले तेज कर दिए हैं। जाहू आवारान सरगर इलाके में पाकिस्तान सेना स्थानीय लोगों पर जुल्म ढा रही है। पाकिस्तान सेना सरगर की पहाड़ियों पर अलग अलग दिशाओं से घुसपैठ कर हमलों को अंजाम दे रही है। यहाँ पाकिस्तान सेना की मदद के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी भेजे गए हैं। वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई चल रही है, अकबर मुफ्ती को मुशर्रफ ने मारा, तमाम लोगों को मारा, तमाम परेशानियाँ हुई, और वो उसका नतीजा ये है कि आज वहाँ पर पूरे के पूरे बलूचिस्तान प्रांत में आतंक है। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इतना गुस्सा है कि जो कभी भी विस्फोट का स्वरूप ले सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना हेलीकॉप्टर के जरिए अपने जवानों को बलूचिस्तान भेज रही है। यह हेलीकॉप्टर खतरनाक हथियारों और बंदूक से लैस हैं। यह हेलीकॉप्टर न सिर्फ जवानों को बलूचिस्तान लाने ले जाने में मदद कर रहे हैं, बल्कि पहाड़ों में छिपे बैठे बलोच विद्रोहियों को निशाना बनाने के काम भी आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सेना के लिए मुसीबत का सबब यह है कि वो इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है। बलोच रेजिमेंट को छोड़कर पाकिस्तान सेना का कोई भी दस्ता बलूचिस्तान से वाकिफ नहीं है, जबकि पाकिस्तान की उसी बलोच रेजिमेंट में बगावत के शोले भड़कने लगे हैं। ये चिट्ठी उसी बगावत की तस्दीक करती है। ये चिट्ठी बलोचों पर पाकिस्तान सरकार के जुल्मों की तस्दीक करती है। तो आपको बता दें कि ये चिट्ठी बलोच रेजिमेंट के एक सिपाही मोहम्मद शरीफ ने लिखी है। इस चिट्ठी में मोहम्मद शरीफ ने बलोच जवानों के साथ होने वाले भेदभाव का जिक्र किया है। मैं सिपाही मोहम्मद शरीफ 702 फौज में 11 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इतना बेइज्जत किया गया हूं कि मौत को ही गले लगाना जरूरी समझता हूं। मुझे 4 महीने से इधर सीओ साहब के पास बैटमैन रखा था, लेकिन सीओ कर्नल एजाज ने मुझे बहुत बेइज्जत किया। कर्नल एजाज ने मुझसे ऐसे ऐसे काम करवाए जिसकी इजाजत मेरा जमीर मुझे नहीं देता। यही नहीं, मुझे ऐसी बॉर्डर वाली पोस्ट पर बिठाया गया जहां बहुत फायरिंग होती है। यहां पोस्ट पर ऑफिसर इतना अपमानित करते हैं कि अब बर्दाश्त नहीं होता।
इस चिट्ठी से साफ जाहिर होता है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान की सरकार किस कदर भेदभाव करती है। बलोच रेजिमेंट के जवानों तक को बेइज्जती का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। लेकिन इमरान खान और उनके जोड़ीदार कमर जावेद बाजवा को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि बलोचों की यह नाराजगी पाकिस्तान को भारी, बहुत भारी पड़ सकती है। ये दुनिया भर के देशों को ब्लैकमेल करने के लिए बलूचिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करना चाहता है और इसलिए उनका ध्यान रहता है। लेकिन वहाँ पर आज बगावत के आलम है। हर आदमी खलील उनके जो लीडर हैं वो सारे लोग उनके खिलाफ कमर कस चुके हैं और अगर दुनिया ने फॉरन एक्शन न लिया तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान सेना बलूचिस्तान के दक्षिण पश्चिम प्रांत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चीन के वीगर री एजुकेशन कैंप की तर्ज पर दो कैंप चला रही है। इन कैंपों का नक्शा शिनजियांग के सबसे पश्चिमी प्रांत में चलाए जा रहे कैंप से मेल खाता है। तो इन कैंपों का मकसद बलोच लड़ाकों की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समझ को बदलना है, फिर चाहे इसके लिए ताकत का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे पिछड़े और गरीब इलाकों में से एक है, जहां की आबादी भी बहुत कम है। इसे लेकर पाकिस्तान की सरकार लगातार विकास की परियोजनाएं चलाती रहती हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। एक दूसरा पहलू ये भी है कि लगातार बलूचिस्तान में अलगाववाद पनप रहा है। इसको लेकर 2005 में सैन्य अभियान भी चलाया गया था, बावजूद इसके हालात जस के तस हैं। दरअसल 2015 में चीन ने पाकिस्तान में $46 अरब के निवेश की घोषणा की थी, जिसमें बलूचिस्तान की अहम भूमिका होनी थी। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन पाकिस्तान और एशिया के दूसरे देशों में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है और इसके जरिए वो अमेरिका और भारत से मुकाबला करना चाहता है। सीपेक पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ेगा। इस योजना के तहत चीन और मध्य पूर्व को सड़क, रेल और तेल पाइपलाइनों से जोड़ा जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान में अलगाववादी और राजनीतिक दल दोनों ही चीन के इस निवेश का विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान चीन के इशारे पर बलूचिस्तान की जनता पर अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर रहा है, जो उसकी बर्बादी का सबब भी बन सकता है। और अब बात नगरोटा में मारे गए आतंकियों के मदरसा कनेक्शन की। सुरक्षा एजेंसियों को नगरोटा में मारे गए आतंकियों के पास एक डायरी मिली है, जिसमें उस ट्रेनिंग सेंटर का पूरा ब्यौरा मौजूद है जहां इन आतंकियों को तैयार किया गया था। इस डायरी से यह भी खुलासा होता है कि उस ट्रेनिंग सेंटर पर मारे गए 4 आतंकियों के साथ 26 आतंकियों की बटालियन तैयार की गई थी और इन्हें ट्रेनिंग पाकिस्तानी सेना के अफसरों ने दी थी। नगरोटा कांड में पाकिस्तान का हाथ होने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद अब भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने का अभियान तेज कर लिया है। भारत सरकार ने नगरोटा कांड में पाकिस्तान का हाथ होने की जानकारी अमेरिका, रूस और फ्रांस के राजनयिकों को दी है। इसके अलावा जापान और 2 अन्य देशों से भी ये जानकारी साझा की गई है। आतंकी की डायरी से साजिश का पर्दाफाश। पाकिस्तान ही है आतंक का पालनहार। आतंकियों को दी जा रही कसाब जैसी ट्रेनिंग। पाकिस्तान में बेधड़क चल रही आतंक की पाठशाला। नगरोटा की साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ। November 19 को नगरोटा के बन टोल प्लाजा पर हुआ एनकाउंटर इस बात की सबसे ताजा मिसाल है कि पाकिस्तान से आतंकी मौका मिलते ही हिंदुस्तान की हद में दाखिल होकर किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने निकल पड़ते हैं। ये भी सच है कि जम्मू और कश्मीर के नगरोटा में आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई, मगर आतंक का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, बल्कि जो पन्ने अब सामने आ रहे हैं वो उन
साजिशों को उजागर कर रहे हैं, जिसे सरहद के पास पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने बड़े ही शातिर अंदाज में रचा था। जैसे मोहम्मद के चार आतंकवादी इससे पहले कुछ कर पाते, उनका सफाया कर दिया गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की तलाशी में मिली चीजों से उस साजिश को बेनकाब कर दिया जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और जैसे मोहम्मद ने मिलकर रची थी। इस साजिश में जैस के सरगना अब्दुल रऊफ, अबू जिंदाल और असगर खान शामिल थे। मारे गए आतंकियों की तलाशी से यह भी पता चला कि आतंकी आका किस कदर बुखलाए हुए हैं और भारत में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। जैसा अंदेशा था, आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बनी कई चीजें मिली। ये साफ है कि उन्हें पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग मिली थी और भारत में हमला करने के लिए वो सीमा पार करके आए थे। नगरोटा के आतंकियों का ट्रेनिंग मॉड्यूल काफी हद तक 2008 मुंबई हमलों में पकड़े गए अजमल कसाब की ट्रेनिंग से मिलता जुलता है। इन आतंकियों को अच्छी खासी ट्रेनिंग के बाद सीमा पार कराई जाती है। ये ट्रेनिंग कई चरणों में चलती है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में साल भर कैंप चलते हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल करता ही रहेगा, चाहे पाकिस्तान पर कितना भी दबाव डाल दिया जाए, चाहे पाकिस्तान के ऊपर FATF की तलवार लटकती रहे, लेकिन फिर भी चीन के कहने पर, चीन के इशारे पर भारत के अंदर पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता रहेगा। भारतीय सेना ने कुछ अरसा पहले जमातुद दावा के एक आतंकी जैबुल्ला को पकड़ा था और उसने भी आतंकियों के ट्रेनिंग के बारे में जो खाका सामने रखा था, नगरोटा में मारे गए आतंकियों के पास से मिले सबूतों से भी उसी बात की पुष्टि हुई है। नगरोटा मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों को एक साल की ट्रेनिंग मिली थी। जाहिर है आतंकी पूरी तरह से ट्रेंड थे। दरअसल ये सारा राज मारे गए आतंकी के पास से मिली एक डायरी से फाश हुआ है। इसके अलावा उस डायरी में कई और भी ऐसे सबूत मिले हैं जो इन आतंकियों और उनके आकाओं की असलियत बयां कर देते हैं। पाकिस्तान तो आतंकी हमारे इलाके में भेजेगा ही, लेकिन हम आतंकियों को बार बार कैसे आने देते हैं?